हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न में माइलेज को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। सो आप देख रहे हैं इस एडवाइस, मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट। सब्सक्राइब कीजिए ये एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आपको माइलेज एडजस्ट करने के लिए आपकी बाइक में की को ऑन करना है, उसके बाद में आपकी बाइक को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर थोड़ा सा इसका आरपीएम बढ़ा लेना है ताकि आपका जो इंजन है वो गर्म हो जाए। तो थोड़ा सा बाइक को राइस कर लीजिए। राइस कितना करना है, कितने आरपीएम पे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आरपीएम मीटर है वहाँ पर आपको 5 से 6 तक आपको ले जाना है, उसके बाद में आपको छोड़ देना है। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे भाई माइलेज टेस्ट, माइलेज किस तरीके से बढ़ाए, माइलेज के ऊपर वीडियो बना, तो मैं फाइनली आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले फर्स्ट अबाउट आपको वीडियो को लाइक करना है, जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप पूरा वीडियो देखेगा। तो उसके बाद में आपको हेडलिंग का जो स्क्रू है उसको थोड़ा सा टाइट करना है, आरपीएम आपका बढ़ाना है माइलेज एडजस्ट करने के लिए। किसी भी बाइक में आप करते हैं तो नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसेसर ही होता है सभी बाइक में। आपका जो हेडलिंग स्क्रू है सबसे पहले उसको आपको टाइट कर लेना है, उसको थोड़ा सा आरपीएम को बढ़ाना है आपको। तो आप ज़्यादा भी मत बढ़े, कम भी मत बढ़े, दरमियान के हिसाब से बढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको चाहिए एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से आपको ये जो आपका कार्बेटर है, लेफ्ट साइड में आपको ट्यूनिंग स्क्रू आएगा, राइट साइड में आपको हेडलिंग स्क्रू आएगा। इस स्क्रू को आपको फर्स्ट आपको टाइट करना है, मैं बता देता हूँ आपको। बस इसको टाइट कर लीजिए, आपको टाइट एकदम फुल्ली करना है। फुल्ली मतलब आपको बाइक को हाफ नहीं करना है, बाइक हाफ हो जाएगी आप ज़्यादा टाइट कर देंगे, तो दरमियान हिसाब से आपको टाइट करना है। तो चलिए, आप इस वीडियो को देखकर आप अपने घर पर ही आपके बाइक का माइलेज एडजस्ट कर सकते हैं। इसको टाइट कर लीजिएगा। टाइट करने के बाद में हल्के हल्के से आप इसको ओपन करिए। जहाँ पे आपको आपका आरपीएम ज़्यादा लगे वहीं पे आपको स्टॉप करना है, जहाँ पे आपको आरपीएम ज़्यादा लगे वहीं पे आपको स्टॉप करना है, क्योंकि आपको वहीं पे आपका फ्यूल और एयर दोनों मिक्सर प्रॉपर होगा, उसी से आपको माइलेज भी मिलेगा, आपका पिकअप भी मिलेगा, दोनों मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरी बाइक यहीं पे थोड़ा सा रही हो रही है, तो इसलिए मैं इसको फिर से एक बार घुमा कर चेक कर लेता हूँ। सभी बाइक में सेम प्रोसेसर होता है दोस्तों, तो आप देख सकते होंगे इस तरीके से माइलेज एडजस्ट किया जाता है सभी बाइक में। मेरी बाइक में यहाँ पे ज़्यादा आरपीएम मिल रहा है, इस वजह से मुझे यहीं पर स्टॉप करना होगा। सभी बाइक में भी इसी तरीके से आप करते हैं तो घर पर ही कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं माइलेज एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद में आपको हेडलिंग जो है उसको लूज़ करना है, जितना स्क्रू हमने टाइट किया था उतना लूज़ कर लीजिए। आप अगर से काउंट करते हुए ना टाइट किए हैं तो इसको कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे 2-3 ट्रिक हैं हेडलिंग को सेट करने के, इसको लूज़ कर लीजिएगा। आपको बाइक को हाफ होने नहीं देना है, हेडलिंग आपको फुल्ली कम नहीं करना है, दरमियानी हिसाब से इसको लूज़ करना है। उसके बाद में मैं फर्स्ट ट्रिक आपको बता दूँ, तो आपको यूनिकॉर्न में आरपीएम मीटर दिया रहता है और जो आपका आरपीएम मीटर का काटा रहता है वो आपको 1 पर ही रहना चाहिए, इस वजह से आपकी बाइक हाफ नहीं होगी और हेडलिंग प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी, सेट हो चुकी है। तो चलिए दूसरी ट्रिक में आपको बता देता हूँ। हेडलाइट को ऑन कर लीजिए। हेडलाइट को ऑन करने के बाद में तो आप हेडलाइट के बल्ब को चेक कर सकते हैं। आप अगर से हेडलिंग अगर से आपकी बाइक की कम है तो हेडलाइट का जो रोशनी है वो आता जाता रहेगा, अगर से आपको लगातार एकदम करंट मिल रहा है तो आपका हेडलिंग सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हेडलिंग के 2 और 3-4 ट्रिक हैं, तो इस ट्रिक को आप अपना कर हेडलिंग को सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माइलेज प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। थोड़ा सा बाइक को राइस कर लेते हैं ताकि इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए। इंशाल्लाह अब आपको ज़रूर आपकी बाइक की माइलेज मिल जाएगी। आपको इसको करने के बाद में मुझे नीचे कमेंट करना होगा आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आप अगर से आर टी नगर पे रहने वाले हैं तो मुझसे आपकी बाइक रेस करा सकते हैं, माइलेज ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, जो भी आपका छोटा मोटा काम हो मुझसे करा सकते हैं। हमारे पास ऑलराउंड सभी बाइक हम करते हैं, रॉयल इनफील्ड से लेकर एक्टिवा तक, ऑलराउंड आपको यूनिकॉर्न से लेकर सभी आपको गियर बाइक से लेकर मोपेड बाइक भी हम सब करते हैं। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको मैं वीडियो क्लास में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देखकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह, अगर से आप मुझसे इसी तरीके से मिलना भी चाहते हैं फ्रेंड्स के नाते, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगा, उसमें कोई बात नहीं है, मिल सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके सोल्यूशन ले सकते हैं, इंशाल्लाह दे दूंगा। तो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो।